नागपुर जो एक ऐसी जगह है जहाँ मैं सोचता हूँ कि काश मैं यहाँ पैदा हुआ होता। जैसे बाबा साहब ने यहाँ पानी का सत्याग्रह किया था, लोगों ने हमारे यहाँ तालाब ही नहीं देखा किसी। ज्यादातर लोग बोलते हैं 50,000 किताब किसी के हो ही नहीं सकती, ये तो जोक है। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके खुद जाकर देखा कि वो किताबें आज भी वहाँ रखी हुई हैं, अगर बाबा साहब को अगर आप पढ़ लेते हो ना तो समझ लो कि आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाती है। अंशुल भाई से एक रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे ना चंद्रशेखर भाई से मिलना है। मैं सोच रहा हूँ तथागत लाइव की जगह रावण लाइव कर दूँ। वो भी हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा मौका आए तो ये वीडियो आप चंद्रशेखर भाई को जरूर दिखाना कि भाई एक बंदा है जो मिलना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, आपसे ऐसे गुफ्तगू करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बताता हूँ। धीरे धीरे देखना कि एक टाइम आएगा कि एमजी ब्लॉग को पूरा वर्ल्ड जानेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों आज मेरे साथ है अंशुल भैया, तथागत लाइव इनका चैनल है, आप जानते ही होंगे। और जो लोग जानते हैं वो फटाफट कमेंट करें हम दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं। तो मैं भैया से ये पूछना चाहूंगा कि भैया आप नागपुर में आए हैं तो आपको कैसा लगा? नागपुर बहुत शानदार जगह है। नागपुर जो एक ऐसी जगह है जहाँ मैं सोचता हूँ कि काश मैं यहाँ पैदा हुआ होता। अरे वाह, इतनी शानदार जगह लगी मुझे नागपुर। एक्चुअली मैं जो चीज़ें यहाँ नागपुर को मिली हैं वो हमारे साइड नहीं होती। बाबा साहब ने जो है दीक्षा जो है वो नागपुर में दी जी। और हमें तो जब पता चला जब बाबा साहब जा चुके थे जी, तो ये नागपुर एक बहुत खास जगह है। और आप नागपुर कितने बार आए हो इसके पहले? मतलब ये थर्ड टाइम आ रहा हूँ मैं नागपुर। थर्ड टाइम दीक्षा भूमि गए हो? हाँ, दीक्षा भूमि बहुत बार गया हूँ। अरे वाह, कैसा लगा फिर वहाँ जाके? क्या मोटिवेशनल जगह है वो हमारे के बाद जब कोरोना लग गया था, कोरोना का जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद मैं वहाँ पर गया था। उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि वो लोगों ने कुछ तो भी सिस्टम लगा रखा था। लेकिन वहाँ जाकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला। वहाँ पर जिस तरह से लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। लोग रात को ही आ जाते हैं वहाँ पर, पूरी रात बिताते हैं वहाँ ठंड में। और वहाँ पर खुलेआम मतलब सोते हैं, वही पे सोते हैं लोग, कोई किसी को टेंशन नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से तो भारत के कोने कोने से और देश विदेश से भी लोग वहाँ पे आते हैं। मैं भीमे कोरेगा गया था, वहाँ पर भी ऐसा ही हालात है। हम लोगों ने इस बार वहाँ पर टेंट लगाया था, टेंट लगा कर वहाँ सोए थे हम भी। मैंने देखा था वो वीडियो, मैंने देखा था बोधिसत्व के साथ, राइट? तो मैं बोधिसत्व और भाई को बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, मतलब मेरा चैनल भी नहीं था तब। फिर मैंने देखा कि भाई ऐसा भी है, तो चलो अपन भी कुछ ट्राई करते, क्योंकि पहले मेरा कुछ और चैनल था। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि दशहरे का मेरा इवेंट चलने लगा और लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे, फिर मैंने जो बाबा साहब का जो कंटेंट पकड़ा है और फिर समाज को जागरूक कर रहा हूँ, और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका भी है। नहीं, मुझे पता है उस बारे में, क्योंकि हम लोग जब कहीं जाते हैं ना बाहर तो ये देखते हैं यार दीक्षा भूमि में क्या चल रहा है, तो वहाँ पे दीक्षा भूमि में क्या चल रहा है टाइप किया तो एमजी ब्लॉग सामने आ गया। तो वो चीज़ें जो हैं वो इसलिए वायरल भी हो रही है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बताता ही नहीं है। नागपुर में इतना कंटेंट है बाबा साहब से जुड़ा हुआ कि आप करने जाओ तो साल भर निकल जाए आपको। यहाँ पे गलियों में जाके देखो क्या क्या है। तो यहाँ हमारे तो बहुत दूर पड़ता है। मैं तो यहाँ मतलब चाहता हूँ कि हर महीने में एक आध चक्कर तो लगा करें नागपुर। आप आइए खुद और खुद आप बनाओगे ब्लॉग। तो यहाँ पर इतना कुछ है, अभी चिचोली बना है वहाँ पर बाबा साहब का, मतलब वस्तु संग्रहालय है। हाँ, देखा है वहाँ पे आपने ड्रोन छोड़ उड़ाया था। ड्रोन उड़ाया था, मुझे लगता है मेरा पहला ड्रोन उड़ा होगा वहाँ पे। तो ड्रोन लेके आए थे कि ऐसा? नहीं, ड्रोन लेकर आया था मैं, ड्रोन लेकर चलता हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें होती है ना, जैसे बाबा साहब ने यहाँ पानी का सत्याग्रह किया था, लोगों ने हमारे तालाब ही नहीं देखा किसी ने। मैंने भी नहीं देखा, मैंने आपकी वीडियो में देखा। अभी मैं जाना है मुझे वहाँ पे। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि तालाब दिखता कैसे, कौन सा इलाका है, उसके बगल में ही छोटा सा ग्राउंड है जहाँ मनुस्मृति दहन किया गया था। जी जी जी। सब पेपरों में पढ़ा, मतलब सब किताबों में पढ़ा। और वो वहाँ जाके देखो कितना सुकून मिलता है, वहाँ के लोगों के अंदर कितना इमोशन भरा हुआ है, ये जाकर पता चला। मतलब हमें पानी पीने की आजादी उस तालाब से मिली, दीक्षा भूमि से हमें बौद्ध धम्म मिला, मऊ से हमें बाबा साहब मिले, ऐसे ऐतिहासिक जगहों पर आप दिखाते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि लोगों को दिखा सकूँ ऐसी चीज़ें। और आप कुछ कहना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी धरोहर है, और आप लोग है ना सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सब चीज़ें अगर दिखाओगे तो एक तो जो है आप बाबा साहब को प्रमोट कर रहे हो, मतलब बाबा साहब के बारे में दूसरी दुनिया के वालों को भी बता रहे हो जो जानते नहीं है, और आपको उससे जो है इनकम भी होगा। तो इस तरह का अगर आप काम करते हो, अगर आप शौक के लिए करना चाहते हो, बाबा साहब के प्रति आपका जो आदर सम्मान है उसके लिए करना चाहते हो, करो। क्योंकि इससे ही हमें पता चलता है, हमारे लोगों को, नॉर्थ साइड के विदेश के लोगों को, कि यहाँ क्या चल के आ रहा है यहाँ पर। मैंने भी बहुत सारे कंटेंट बनाया भाई, लेकिन जब बाबा साहब का कंटेंट बनाता हो तो अलग ही सुकून रहता है। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने हर सब कुछ बनाया है। अगर आप मेरा यूट्यूब देखोगे पुराना, सब कुछ मिलेगा आपको, कॉमेडी वीडियो, म्यूजिक वीडियो, इवेंट्स, ये वो सब फलाना ढिकाना। लेकिन जैसे ही बुद्धिज्म और बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार होता है तो ऐसा लगता है भाई कुछ तो अच्छा किया मैंने जिंदगी में। बिल्कुल, मैंने भी जब शुरुआत किया था तो मैं सिर्फ बाबा साहब को देखना चाहता था, पढ़ चुका था उसका, देखना चाहता था कि बाबा साहब कहाँ से कहाँ पैदा हुए,
कहाँ रहे, कहाँ उनका जो लाइब्रेरी था, कहाँ 50,000 किताबें हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं 50,000 किताब किसी की हो ही नहीं सकती, ये तो जोक है। लेकिन जब मैंने वहाँ जाकर खुद जाकर देखा कि वो किताबें आज भी वहाँ रखी हुई हैं लाइब्रेरी में, और उन लाइब्रेरी में जो है उन किताबों की आप वहाँ जाओगे ना तो किताबें किसी एक सब्जेक्ट की नहीं है, मतलब वहाँ आपको डायबिटीज से रिलेटेड किताब मिल जाएगी, बाबा साहब पढ़ते थे जो किताबें, आपको सम्राट अशोक से रिलेटेड किताब मिलेगी, मतलब ऐसे ऐसे वास्ट जो सब्जेक्ट हैं जो बाबा साहब पढ़ते होंगे और उसके बाद उनसे जो कंपोज होके जो नॉलेज हमें मिली है, तो अगर बाबा साहब को अगर आप पढ़ लेते हो ना तो समझ लो कि आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाती है, जिंदगी गंगा नहाली जैसा एक ये हो गया। और मुझे ना आपके टाइटल्स पसंद है, बाबा साहब नहीं अम्बेडकर जी का चश्मा मिला, अम्बेडकर जी का घर मिला, यार सोच में मजबूर हो जाता क्या है भाई, देखो तो मैं वो मुझे मिला ना वहाँ पर, देखा ना मैं देखा राजगृह में, हाँ हाँ मुझे घर मिला, मुझे ये सब चीजें मिली हो, जो खुशी मुझे हुई तो मैंने वही उठा के सीधा लिख दिया, सीधा लिख दिया मैंने। मैं भी ऐसे करता हूँ मेरे टाइटल में कि बाबा साहब का बेड मिला जिसपे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, इस तरह से थोड़ा अच्छा लगता है। वो जब वो पुणे में गया था, आप तो मेरे से पहले गए होगे शायद पुणे में, पुणे के संग्रहालय में, तो वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि हम बहुत करीब से जान रहे बाबा साहब को। शानदार है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे अभी मैं हाल ही में नेपाल गया था, वहाँ बाबा साहब काठमांडू को भाषण देने गए थे, वहाँ वो ड्रेस रखी हुई है जिस ड्रेस को पहन के बाबा साहब ने काठमांडू का भाषण दिया, मैंने देखा है, जूते रखे हुए हैं, मतलब आपको लगता होगा कि आपने फोटो में देखा, वहाँ रियलिटी में रखा हुआ है, बाबा साहब खड़े हुए हैं। बस 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 सही में मेरा भी ये एक्सपीरियंस था। और आपको व्यूवर्स के बारे में क्या है, देखिए कैसा होता है ना, हमारे वीडियो बहुत लोग देखते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइब उतना लोग करते नहीं, सपोर्ट क्यों नहीं करते? उसका कारण ये है कि अभी जितने हमारे लोग हैं ना वो अभी तक इतने एजुकेटेड नहीं हुए हैं, जो इंटरनेट पे भी नहीं है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंटेंट तो हिंदी में है, और हिंदी के जो बेल्ट के लोग हैं ना वो तो बिल्कुल भी अभी भी वो टिकटॉक और वो रील वगैरह कंटेंट देखना पसंद करते हैं, धीरे धीरे वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो टिकटॉक सुपरस्टार हैं, एक नाम बताता हूँ, एक शिवानी है, ये शिंडे, हमारे उधर साइड की है, अच्छा, यूपी की है, शिवानी शिवानी कुमारी, हेलो फ्रेंडा बोलती है, देखा होगा, बहुत बहुत फेमस है हमारे साइड पे, अच्छा, अच्छा, तो वो जो है वो बाबा साहब को बहुत लाइक करती है, बाबा साहब के लिए काफ़ी कुछ करती है, लेकिन खुलकर नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी हमारे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ के जो नॉर्मल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो ये सब कंटेंट क्रिएट नहीं करते बहुजन दलित वाला, लेकिन वो भी जो है आप धीरे धीरे खुलकर बाबा साहब के लिए नाम लेते हैं, उनके लिए बातें करते हैं, तो ये जो है इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सब लोग मिलकर जो बाबा साहब के लिए इतना ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं यार बाबा साहब को देखने वाले बहुत हैं, तो ये सब धीरे धीरे बढ़ पाएगा, अभी धीरे धीरे देखना कि एक टाइम आएगा कि एमजी ब्लॉग को पूरा वर्ल्ड जानेगा जी। आपकी कृपा रही तो हो जाएगा। मेरे व्यूअर्स का बोल सकते सब्सक्राइब करो करके। हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब करो यार, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, और ऐसे बहुत सारा कंटेंट है जो नॉर्थ ये महाराष्ट्र का या नागपुर का जहाँ पर मैं नहीं आ पाता हूँ, ये वहाँ पर हमेशा वहीं पर पाए जाते हैं, तो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट करते हैं हमेशा। हमारे व्यूअर्स ना इंस्टाग्रामर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, यूट्यूबर को कम देते हैं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आप देखोगे कि यूट्यूब की ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। इंस्टाग्राम में अगर आप कंटेंट देख रहे हो तो वहाँ पर जो है वो शॉर्ट कंटेंट ज़्यादा फेमस है, लेकिन लॉन्ग कंटेंट और आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आपको जो है यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ अंशुल भाई, और इनसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था इनसे मिलने की, आज नागपुर में ये अवार्ड शो में हमारी मुलाकात हुई, तो भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसे ही आप जुड़े रहे मेरे से, यही आशा करता हूँ। जी आपको नमो बुद्धाय जय भी मेरे चैनल की ओर से, और चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना यार। जय।